कठुआ मामले में अन्य राज्यों के संगठन साजी राम सहित अन्य आरोपियों के समर्थन में खड़े हुए हैं। संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि ये सब साजिश हो रही है। इस मामले में दोषियों के बजाय निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। दोषी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। मामले की अगर सीबीआई जांच कराई जाती है तो साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। शनिवार को साजी राम के परिवार का समर्थन करने डासना मंदिर गाजियाबाद से हिंदू स्वाभिमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी यातिमा चेतना नंद सरस्वती जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बाबा परमिंदर आर्य और हिमाचल प्रदेश के दौलतपुर से हिंदू एकता हिंदू चेतना गैर राजनीतिक संघ के संजू हिंदू कठुआ पहुंचे। कठुआ में पत्रकारों से साध्वी यातिमा चेतनानंद सरस्वती ने कहा कि लोग मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार मौन है, जिससे राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फायदा उठाकर अपना एजेंडा लागू करने का प्रयास कर रही है। उनके इस षड्यंत्र को रोकने के लिए समाज को एकजुट होना होगा। निर्दोष लोगों को जेल की सलाखों से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना होगा। साजी राम की बेटी मधु ने कहा कि उनकी मांग सीबीआई जांच की है, ना कि मासूम के हत्यारों को बचाने की। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।